इंश्योरेंस शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी अच्छी तेजी है, करीब 5% से ज्यादा की तेजी है। एसबीआई लाइफ 3.5% ऊपर है, आईसीआईसी लॉम्बार्ड में भी तेजी है, एचडीएफसी लाइफ का शायद आज एक्स डिविडेंड डेट भी है। क्या रत्नेश जी बताइए इन चारों शेयरों को पर क्या व्यू बन रहा है आपका इंश्योरेंस कंपनियों पर? ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस था, पर अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी वापस से हमको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ देखें तो काफी एक महत्वपूर्ण सप्लाई जोन 620 इसके आसपास आ गया है, मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर एक बार निकलेगा ये 620 के ऊपर तो एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है, वहां पे एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखाना चाहिए पोजीशन के हिसाब से 585 तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में हमको टारगेट इसमें 680 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। और अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको अच्छी देखने को मिली, की एवरेजेस के ऊपर भी अपना निकल चुका है ये, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आने वाले दिनों में हमको 600 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 505 रुपए का। ठीक है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर आपके लिए ये राय पर